आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, लात खाओ और रो लो। क्या यही सम्राट अशोक महान के वंशजों के भाग्य में रह गया है क्या? बोलो, यही रह गया है क्या? हम अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने महान दल जीते ना जीते, लेकिन आप लोगों ने अगर महान दल का झंडा मजबूती से पकड़े रखा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका मनोबल गिरने नहीं दूंगा, समाज में अन्याय नहीं होने दूंगा। अन्याय करने की जरूरत नहीं। कोई घटना उत्तर प्रदेश की बता दो जो मेरे पास आई हो, जिसमें मैंने आवाज न उठाया हो, चाहे लखीमपुर खीरी में राजकुमार मौर्य का मामला रहा हो, चाहे देवेंद्र कुशवाहा का मामला रहा हो, चाहे शीला मौर्य की हत्या का मामला रहा, चाहे राजा रिजौला कासगंज का मामला रहा, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं टीवी पे सबको उठाता हूँ। कुछ लड़के, कुछ जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, जो हमारा फेसबुक देखते हैं, बताओ दिखता है कि नहीं दिखता? टीवी में लड़ते हुए मैं दिखता हूँ कि नहीं दिखता? अब आप बताओ, ये जो आपके विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, बिरादरी के आपके हैं, ये क्या आपके सुख दुख में खड़े हैं क्या? सुख में तो खड़े हैं, दुख में खड़े हैं क्या? नहीं खड़े। बोलो भाई, सब लोग बोलो, नहीं खड़े हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये केचुआ है। केचुआ से कोई डरता है क्या? बोलो, केचुए से कोई डरता है? केचुए जानते हैं जो जमीन में रहता है, बड़ा काम का होता है, ये तो इतना भी काम के नहीं, वो तो जमीन को उर्वरा बना देता, लेकिन उससे डरता कोई नहीं। अगर आप अपने घर के सामने, अपने घर में आप 1000 केचुआ पाल लें, 1000 केचुआ, 2000 पाल लें, 20000 केचुआ पाल लें, लेकिन कोई आने से डरेगा क्या? जोर से बोलो, आने से डरेगा क्या? लेकिन अगर एक पानी वाला हिसाब पाल लो, जहर ना हो, जहर ना भी हो, लेकिन पानी वाला सांप पाल लो, और सब पड़ोसी जान जाए या आसपास वाले जान जाए कि रात में ये सांप खुल्ला घूमता है, तो कोई डर के मारे आएगा क्या? बोलो जोर से, आएगा? तो केशवदेव मौर्य को पाल लो, ये केचुआ है आपके बिरादरी के लोग, और केशवदेव मौर्य तो सांप है, सांप और जहर वाला, जो पालेगा उसको नहीं काटेगा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस को जरूर काटेगा। बोलो, काटेगा कि नहीं काटेगा? अगर केशवदेव मौर्य को और ताकत मिले, पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश चला जाए, बदायूं से संदेश चला जाए, कासगंज से संदेश चला जाए, कम खाली 10 लोकसभा से संदेश चला जाए, बीजेपी के पास 10 लोकसभा खाली ये संदेश चला जाए कि केशवदेव मौर्य का समाज अब जाग गया है, बिरादरी के विधायक और सांसद अब नहीं देखेगा, अब अपनी पार्टी देखेगा, तो बताओ कोई हिम्मत करेगा आपके साथ अन्याय करने का? कोई करेगा? आएंगे केशवदेव मौर्य के पास, दामाद की तरह बुला के ले जाएंगे और कहेंगे छोड़ो ये सब कचड़ा पचड़ा, जो मंत्री, डिप्टी सीएम साहब तुम ही बन जाओ, तो खाली हमें जिताते रहो, हम आपको कुल देंगे, नौकरी देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर केशवदेव मौर्य को आपने पाल लिया, केशवदेव मौर्य अभी तो क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत क्या आ रही? लोगों को ये पता है, आप बताओ, खुद सोचो, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2012 के पहले या 2009 के पहले, 2012 में इसलिए कहा कि पहली बार महान दल को 2012 में वोट मिला, 2012 को पहली बार महान दल को वोट मिला, जिससे ये सिद्ध हुआ कि महान दल मजबूत है, 48000 वोट तक मिला, ये दूसरे नंबर पे हम पहुंचे, मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा सीट पे 35000 32000 30000 20000 वोटों पे हम पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो लोगों को लगा कि ये मजबूत, साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का वोट बहुत ज्यादा है, अगर ये पार्टी मजबूत हो गई, महान दल, तो फिर दिक्कत आएगी। तो अमित शाह जी ने हमें लालच दिया, कहा जाओ, जब हमने मना कर दिया, जब हमने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे,
हम अपनी पार्टी का विलय कहीं नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम पूरे जीवन हम नमक रोटी भी खाएंगे, लेकिन हम अपने हक हिस्से के लिए, अपने समाज के लिए और सम्राट अशोक महान के गौरव के लिए हम पूरे जीवन लड़ते रहेंगे। हम नहीं किसी के आगे